पूर्वांचल में एक एक करके ब्राह्मणों की हत्या करी गई है। मैं बात उसकी नहीं करता कि निखारा एक अगले दूर वो कह भाई सबका बदमाश तो किसी का नहीं होता, ना किसी जाति का होता है ना किसी धर्म का होता, बदमाश तो बदमाश होता। लेकिन चुन चुन के और जो मारे गए हैं उनके साथ अब एक मतलब मेरी मित्रता इनसे है, मेरी कोई गलती इनकी क्या गलती है, खुशी दुबे के साथ क्या हुआ है, उसे अब रिहा करा गया उसको बड़ी मुश्किल, जब लोगों में सारी चेतना लोगों ने प्रदर्शन सारे हो गए तो पूर्वांचल में तो अब हत्या एक एक करके करी गई है। कुछ लोग सर कहते हैं कि यूपी में ठाकुर राज चल रहा है, ठाकुर गर्दी है, क्या लगता है आपको? नहीं कुछ तो है, क्योंकि कहीं भी देखो वहाँ पोस्ट पर नियुक्त हो ठाकुर, उधर नियुक्त हो ठाकुर, मतलब सारे ज़्यादातर पूर्वांचल से लोग बुला के यहाँ बैठा दिए गए हैं, ना कोई किसी की सुन रहा, सरकार में किसी की सुनी थोड़ी जा रही है, किसी सरकार में सरकार के विधायकों की नहीं सुनी जा रही, सरकार के सांसद की नहीं सुनी जा रही, सबका गले पे जैसे जैसे ग्रहण पर हाथ हो कोई बोलने नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं वोट देगा ब्राह्मण को? पहले भी बहन जी ने जब सोशल वर्किंग के नाम से 80 टिकट दिए थे तो बस पर रिकॉर्ड मरता से आई थी। आज मैं फिर कहना चाहता हूँ बहन जी से कि बहन जी आप अगर, और मिश्रा जी हमारे माननीय सतीश मिश्रा जी अगर ब्राह्मण को टिकट देते हैं और ब्राह्मणों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देते हैं तो बसपा तो यहाँ रिकॉर्ड लौट के आएगी। तो शर्मा जी क्या लग रहा है, क्या मूड बनाया है ब्राह्मण समाज? भाई साहब ब्राह्मण अब के बसपा को ठोक के वोट देगा और बसपा में जाएगा, क्योंकि अपना अपने आप को सुरक्षित यहाँ करना समझता, और ये हमारा गृह जनपद है, यहाँ तो मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि जाना भी वहीं चाहिए, और हम भाजपा में चले गए कि भाई चलो हमारा सम्मान यहाँ रहेगा, हम बिल्कुल यहाँ तो वैसा सम्मान तो मारे पीटे गए, हत्या करी गई ब्राह्मणों की, लोग नाराज हैं, काम लोग बढ़ नहीं दे रहे, इनके बोर्ड लगा दिए गए कि बीजेपी के लोगों को आने के लिए सख्त मनाही है। सर क्या भाई साहब आज साले मतलब जब 6 महीने बचे हैं, जब आपको स्मार्ट विलेज मनाने की तो सोची है आपने, और 4.5 साल सोते ही रहे। योगी जी कहते हैं 4 साल बेमिसाल, 5 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी उत्तर प्रदेश में। अजी किसी के 5 आदमी ने मिले ना नंबर दो, हमारा सांसद जैसे कोरोना काल चला था माननीय जी ने एक भी कहीं सैनिटाइजर कहीं किसी को मास्क किसी सोसाइटी में कर, वो तो न्यू सोते बैठे हैं कि जितनी सोसाइटी वो सब तुम्हारी तो है, ये भ्रम अब दूर हो जाएगा उनका। ये बहन जी का गृह जनपद है और बहन जी के जो जितने भी कार्य हैं, जैसे हमारा इतना बढ़िया ये यमुना एक्सप्रेस पे जो आज आगे जाकर लखनऊ से जोड़ दिया गया है, या गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी है कमिस्टेट बन गई है, तो बहन जी के तो बहुत कार्य ऐसे हैं जो मतलब जिला ही बहन जी की पहचान है, और इस प्रबुद्ध वर्ग की उससे उन बहुत जल्दी और बहुत सही चेतना आई कि अब तक कहीं कोई प्रदर्शन नहीं हो रहा था, कहीं कोई बात नहीं हो रही थी, लोग समझ रहे थे कि बसपा तो चुप पड़ी है, अब बसपा को आगे जब प्रबुद्ध वर्ग की मीटिंग होगी, जब लोगों के नए नए विचार सुनने को मिलेंगे, हर आदमी अपने सजेशन देगा, तो इससे आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा, और बसपा का गृह जनपद मैं चाहता हूँ कि सांसद भी यहाँ से बसपा का ही चुना जाए। शर्मा जी लोग कहते हैं कि इस योगी सरकार में करीब 1200 ब्राह्मणों की हत्या की गई है, उसमें कितनी सच्चाई है? भाई साहब सच्चाई है उसमें तो बहुत बड़ी सच्चाई है। नहीं 2012 में जब टिकट कम कर दिए गए, कभी 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 क्या होता है कि आदमी को नीचे की बात ऊपर बताई नहीं जाती, बहन जी तक वो बात नहीं पहुंची, जो ब्राह्मणों का अपना कुछ दर्द था कुछ बात थी, ब्राह्मणों ने पलायन कर दिया, जब पलायन कर दिया तो सरकार भाजपा की बन गई, यहाँ ब्राह्मणों का अत्याचार हो रहा, ब्राह्मणों पर खुल के अत्याचार कर जाए, ब्राह्मणों की हत्या करी जा रही है, सारे प्रदेश में प्रदर्शन करा ब्राह्मण महासंघ ने, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद शर्मा जी उन्होंने हर जिले कलेक्ट्रेट में, अतुल शर्मा एडवोकेट ने सूरजपुर, उन्होंने उन दोनों के नेतृत्व में पूरा प्रदर्शन हुआ था, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, और निगाह सिर्फ बसपा पे है, निगाह सिर्फ बसपा पे है, अगर बसपा अपना सही वो करके संतुलन करके और हर उसको और ज़्यादा से ज़्यादा टिकट उसके ज़्यादा, तो ये तो ऐसा वर्ग है प्रबुद्ध वर्ग, ये तो अपने साथ और लोगों को भी ले आता दिल्ली से। लेकिन लोग कहते हैं कि जो ब्राह्मण है उनका जो हित है केवल बीजेपी में ही है। नहीं कौन कहता, लोगों वोटरों पर सर्वे करवाइए ना, ज़्यादातर वोटर क्या बोलते हैं, ये तो कुछ चुनिंदा लोगों पर बताते हैं सीट, वोटरों से हमने सर्वे कर लिया, अब के सरकार बसपा की बने, यूँ कह देते हैं जी कोठी कुटला के हाथ मतलब लगाना सब कुछ तेरा ही है, तो वाक बनने से कोई थोड़ी बन जाता है कि उससे बनने से भी वो डिप्टी सीएम बना दिया। लेकिन सर उत्तर प्रदेश के अयोध्या में इस बार जो है शुरुआत हो गई है राम मंदिर की, ये तो बहुत बड़ा वोट बैंक है इसका, बीजेपी का। कब याद आते हैं इन्हें, चुनाव के दौरान ही या अब याद आए इतने दिन में, और उसके ऊपर मतलब उसमें पता कितना बड़ा घोटाला चल रहा, मंदिर के चक्कर में तो दुनिया भर का घोटाला हुआ बहुत बड़ा। और फिर लोगों को भाई साहब नाच चाहिए, लोगों को रोटी चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, जो 2 करोड़ रोजगार की बात करते थे कहाँ रोजगार है, कहाँ दिले युवा बेरोजगार डोल रहा भाई साहब, युवाओं को कहाँ हुआ है भाई साहब, मंदिर तो घर, एक मिनट सुनो, अगर आदमी का मन साफ हो तो मंदिर तो सब जगह है,
लेकिन मोदी सरकार 5 किलो अनाज बांट रही है, झोले पे फोटो छपा है मोदी जी। हाँ, यही तो चुनावी वो है कि मतलब अगर 5 किलो थैला भी दिया जा रहा था, वापस पे फोटो है, ये शर्म की बात नहीं। जो लेने वाला भी लेता नहीं है भाई साहब, क्या वो भिखारी थोड़ी है? जनता को एक ही मजबूरी का फायदा उठा रहा जा रहा। जनता को तो सर ये चाहिए, मुफ्त का राशन, टीका, इलाज चाहिए। नहीं नहीं, जनता को ऐसा नहीं चाहिए जैसे जाना, जनता को तो वो भी दे रहा। केजरीवाल ने कितना बढ़िया सिस्टम कर रखा है, कुछ भी खुश नहीं है लोग। जब भी तो सरकार में आपके पार्टी रिटर्न मारेगी, सरकार बनेगी। आप तो विरोधी हैं, फिर भी कोई काम तो अच्छा लगा होगा? किसका? 4-4.5 साल में योगी सरकार का कोई, हमें तो कोई काम ही चल रहा है। जब तो हम रिटर्न कर रहे हैं, जब तो लोग रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन सर योगी सरकार ने दिल्ली के आईटीओ से लेकर के कनॉट पैलेस तक बड़ा प्रचार प्रसार किया है कि मैंने भी दिल्ली में देखा, दिल्ली में जितने भी वो है ना, उत्तर प्रदेश की जगह प्रचार दिल्ली में चल रहा है, और वहाँ चल रहा है जहाँ बस स्टैंड है, जहाँ पोल है, सारे बस स्टैंड है, कॉलेज हैं, स्कूल आ रहे हैं। मैं भी खड़े होकर वहाँ मैंने दिया था, मेरे एक मित्र रेवल श्रद्धानंद पति, उन्होंने तो उसकी पूरी धज्जी उड़ाई है। उसकी जो रेवल श्रद्धानंद पति हैं, वो मेरे मित्र हैं, उन्होंने तो उसकी दिल्ली से ही खड़े होकर लाइव हुआ था उन पर ही। अरे 40,000 रुपये बीघा जमीन जिनके 3500 रुपये मीटर मिले, बहन जी ने यहाँ का विकास करा, इस जमीन ने जाते रोजगार कहाँ मिला, दुनिया भर की कंपनी जो लगी पहले उनके टाइम में, इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बनी है गौतम बुद्ध, जिसमें हर बच्चा पढ़ने के लिए, बताओ पहले आदमी को धक्का खाने मेरठ जाना पड़ता था, कोई रुड़की जाता था, सारी सुविधा हमारे यहाँ उन्होंने पैदा कर दी। ये जमीन लेकर उसको सस्ता कर दिया, ये तो अब कर रहे हैं जो जमीन का, हम किसान के साथ, किसानों को पूरी 1-1.5 साल हो गई है भाई साहब बैठे हुए, उनकी 2 बात नहीं सुनी जा रही हैं। डीजल कहाँ पहुँच गया? चलो मैं गाड़ी वाले को नहीं कहते, ट्रैक्टर और अपना इंजन कैसे चलाएंगे, मूंजी कैसे होएगी भाई साहब, उनकी 2 बात बनाने के इतने बड़े हो गए। अरे माननीय प्रधानमंत्री जी को हमने तो बनाया भाई साहब, वोट से ही तो बनने, कहीं बाहर से तो बने ना, कि हमारी बात सुनने में उनको दिक्कत है। बीजेपी की सांसद मीनाक्षी लेखी कहते हैं किसान नहीं है तो मवाली है। भैया वो तो पहले भी क्या कर रहे, उन्होंने शुरू में बताओ खालिस्तान ही बता दिया, पंथ का एक झंडा, किसी ने जाकर देखा पूरा सर्वे कैसे गेट खुल, जहाँ कोई परिंदा पड़ने मारता था गेट खोल दिए गए थे कि इनके साथ वही वो जो दिखाने के लिए पंथ का झंडा था, वो झंडा वो तो है, आज भी वही है। राष्ट्रीय ध्वज को कभी जिंदगी न कोई झुका सकता न कभी झुकेगा। सर जी जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो शिलान्यास किया जाएगा मोदी जी द्वारा, ये कितना मुद्दा बनेगा चुनाव में बीजेपी के लिए? भैया लोग समझ रहे हैं बीजेपी के लिए कोई मुद्दा नहीं बनेगा, वो बनाए जाओ लोग हैं, ये तो मतलब शुरू से पहले वो थी बहन जी की, और ये तो अब शिलान से ऐसी तो प्रचार कराते हैं इनका, इनका भाई साहब पैसा ही प्रचार में लग रहा है, जो पब्लिक का पैसा, जो जनता का पैसा, वो प्रचार में ही तो जा रहा सारा। बताओ कहाँ लोगों को खुशा लिए लोग भाई साहब, तो तीसरी लहर का, अगर तीसरी लहर आ गई तो लोग आत्महत्या पर उतारू हो जाएंगे, क्या करेंगे, कुछ है थोड़ी लोगों के, क्या सुविधा? पिछली बार देखा ऑक्सीजन के चक्कर में कि हम तैयार है, तैयार किस बात को चले, लोगों को ऑक्सीजन तक नहीं मिल पाई, बताइए हैं इनकी क्या व्यवस्था, जबकि पता थी कि पहली चलेगी दूसरी आएगी, उसके बाद भी कोई व्यवस्था नहीं, पूरी व्यवस्था फेल पड़ी भाई साहब, कानून व्यवस्था पूरी फेल है। कमिश्नरेट तक यहाँ लागू हो गए, लेकिन उसके बाद भी चौराहे पर कहीं में चैन स्कैनिंग होता थी है, कोई मर्डर हो रहे हैं, कभी कोई मतलब इस राज्य में ऐसा हो रहा जैसे कभी बिहार में हुआ करता। सर आपसे आखिरी सवाल है, लेकिन जो भी सरकार जो है हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है, लव जिहाद हो, चाहे धर्मांतरण के मामले हो, चाहे और कुछ अभी मामले आ गए हैं कि किसी को पीटा जा रहा है, कानपुर में आ गया है एक नया मामला, टर्री वाले को पीटा है पुलिस के सामने लोगों ने, इससे कैसे पार पाओगे जो धर्म की और जाति की लड़ाई है? भाई साहब लोग समझ रहे हैं, लोगों को मैंने पहले ही बताया, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को खाना चाहिए, लोग धर्म और जाति के नाम पर बिल्कुल नहीं बटेंगे, ना जाति के चक्कर में पड़ रहे, इनका यही नाम रहा शुरू से इनका कि दोनों इन संप्रदाय में आपस में बिठाना, कि हिंदू मुस्लिम करते रहो। भाई साहब लोग इतने 5 साल में यही समझ गए कि इनका असली मतलब क्या है, असली इनका मकसद क्या है, और ये करना क्या चाहते हैं, सिर्फ वैमनस्यता फैलाना चाहते हैं और कुछ नहीं।